अब केनस्टार खाना खजान में अगर इस साल मैंने कुछ आम के ऊपर नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आम फल ही ऐसा है कि अगर उसके साथ अलग अलग चीज़ें ना बनाई जाएं तो मज़ा नहीं आता। चलिए कुछ बनाते हैं खास रेसिपीज और शुरुआत करते हैं मैंगो चॉकलेट लस्सी से। मैंगो और चॉकलेट साथ में बिल्कुल बनाया जा सकता है, और लस्सी जो है बिल्कुल गर्मियों में कभी भी मिल जाए मज़ा आ जाता है। वैसे लस्सी का नाम सुनते ही पंजाब की याद आ जाती है, क्योंकि पंजाब में जब भी आप जाएं तो इतना बड़ा ग्लास लस्सी का, मीठी लस्सी ऊपर से मलाई डाल के, कुछ लोग तो अभी भी करते हैं, भाई वाह मक्खन इतना ज़्यादा डालें। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग कहते हैं नहीं मक्खन मत डालिएगा, अब मक्खन की जगह चॉकलेट। लेकिन देखते हैं कि किस तरह से अच्छी लस्सी बना सकते हैं आम से। अब इसके लिए करना क्या क्या है, आप आम का, ये मैंने यहाँ पर पल्प लिया हुआ है, तो इसमें मैं तो डाल रहा हूँ मैंगो पल्प, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मैंगो पल्प ही डालना है, आप आम के पीसेस भी डाल सकते हैं। तो ये ले लिया मैंने मैंगो पल्प, और उसके साथ चीनी, ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है। और अब ये दोनों चीज़ें पहले ज़रा मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें डालें बढ़िया सी दही, जी हाँ लस्सी की जान है दही, तो इसमें डाला हमने अच्छा घर में बना हुआ दही। और दही डालकर ये कर दिया मिक्स, और अब इस लस्सी को पतला कैसे करें, पानी दूध कुछ ना डालें, डालें खूब सारी बर्फ। लस्सी जो है तभी मज़ा आता है उसका जब एकदम ठंडी हो, चिल्ड लस्सी। ये बंद कर देता हूँ। अब ये जो लस्सी है ये तो तैयार होगी एकदम बढ़िया लस्सी। चॉकलेट नहीं है, घबराइए नहीं, चॉकलेट इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन चॉकलेट डालना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए तो पहले बढ़िया सा ग्लास लें, कांच का ग्लास लें, अच्छा लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने ली हुई है चॉकलेट सॉस, और आप चॉकलेट सॉस डालें ग्लास के अंदर इस तरह से, ऊपर से नीचे तो अपने आप चली जाएगी, ऊपर से शुरू करें। और ये देखिए ये डाल दी हमने चॉकलेट सॉस, और अब इसमें गाढ़ी वाली मैंगो लस्सी। वाह क्या लस्सी दिख रही है, आप चाहें तो ऊपर से भी चॉकलेट डाल सकते हैं। क्या कहते हैं, डालें या नहीं डालें, कुछ लोग कह रहे हैं डालें और कुछ लोग कह रहे हैं ना डालें, तो एक काम करते हैं थोड़ी सी तो चॉकलेट डाल ही देते हैं। ये जो चॉकलेट है ये ऊपर से डाल दी हमने, और अब थोड़ा सा पिस्ता, बस चॉकलेट लस्सी तैयार, नहीं नहीं मैंगो लस्सी तैयार चॉकलेट के साथ में। ये जो चॉकलेट है इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है कि चॉकलेट का बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा, ये दिखने में अच्छी है, जब भी आप पिलाएंगे तो लोग कहेंगे भाई चीज़ तो बहुत बढ़िया है, दिख तो अच्छी रही है। और ये लस्सी कम मिलती है, मैंगो शेक ज़्यादा मिलता है, आप चाहें तो ये इफेक्ट मैंगो शेक में भी दे सकते हैं, बहुत आसान है। कितनी आसानी से किया है, अगर आपके पास चॉकलेट सॉस नहीं है तो आप जैम से भी ये इफेक्ट दे सकते हैं। कैसे, बस जैम लें, उसको थोड़ा सा फेंट लें और इसी तरह से डालें किसी स्क्वीजी बॉटल में से, अगर नहीं तो उंगली से भी थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे आइडिया हैं, बस आप कोशिश तो करें, आप एक बार कोशिश करना शुरू करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास आइडिया हमारे से ज़्यादा होंगे। अगर बढ़िया आइडिया हैं तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम भी शेयर करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों से। अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं ना जाइए। मैंगो लस्सी के लिए हमें चाहिए एक कप पके आम का पल्प, एक चौथाई कप चीनी, तीन कप दही, बर्फ आवश्यकता अनुसार, एक चौथाई कप चॉकलेट सॉस, और 20 पिस्ते थोड़े पके हुए और पतले और लंबे कटे हुए। इसके लिए मिक्सी या ब्लेंडर में आम का पल्प और चीनी डालकर मिक्स करें। इसके साथ इसमें दही और बर्फ डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब एक सर्विंग ग्लास ले लें और इसमें स्क्वीजी बॉटल की सहायता से थोड़ी थोड़ी दूरी पर चॉकलेट सॉस डालकर मनचाहा डिजाइन बनाएं। अब इसमें मैंगो लस्सी डालें और ऊपर से चॉकलेट सॉस और ब्लांच किए हुए कटे हुए पिस्ते डालकर सजाएं और ठंडा ठंडा सर्व करें।
अब एक रेसिपी जो एकदम सिंपल है, पराठा है आम के साथ, मैंगो लस्सी थी, अब आम का पराठा है, और एक कढ़ी बताऊंगा आम रस के साथ में, कच्चा आम। और नहीं नहीं ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, पहले तो बताता हूँ मैं आपको, एक पराठा आम के साथ एकदम सिंपल सा है, लेकिन क्या इसमें अलग है, इसमें आम का इस्तेमाल होगा, आम से बने हुए छुंदे का इस्तेमाल होगा। इसके लिए सबसे पहले आटा गूंदना है। आटे में क्या करना है, आपने नॉर्मल आटा ले लें और उसके अंदर डालें थोड़ा नमक और उसके साथ मिक्स करें आम रस, मैंगो पल्प, ताज़ा आम, उसमें से पल्प निकाल लें, यानी पीसेस काट कर आप उसको मिक्सी के अंदर एकदम स्मूथ कर लें, नहीं तो जो टिन के अंदर रहता है, लेकिन टिन वाला सीज़न में थोड़े इस्तेमाल करेंगे, अगर सीज़न में आम नहीं है तभी तो टिन वाला आप इस्तेमाल करेंगे मैंगो प्यूरे, नहीं तो इसी तरह से मैंगो का प्यूरे बनाएं और इसको आटे में मिक्स कर दें, थोड़ा सा तेल डालकर इसका आटा गूंद लें। ये देखिए ये जो आटा है इसमें आटा, नमक, मैंगो पल्प और थोड़ा सा तेल, बस इसका पराठा बनाना है हमने। पराठा कैसा बनाएंगे ये देखिए, ये ले लिया और इसे बेलेंगे हम, इसे बस आप बेल लें नॉर्मल जैसे बेलते हैं उसी तरह से, ये मैंगो रंग की वजह से या आम का जो इतना बढ़िया रंग है उसकी वजह से इतना बढ़िया लग रहा है ये आटा ये। और अब इसमें लगाएं थोड़ा तेल, तेल लगाकर सूखा आटा इस पे लगा लें और अब इसमें डालेंगे छुंदा। छुंदा किस तरह से डालना है ये देखिए, आम से बना हुआ छुंदा इस तरह से ले लें आप और अब इसे हमने फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से और फिर ऐसे, इसके बाद इस तरह से और इस तरह से। ये जो फोल्ड हैं ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो छुंदा है वो बाहर ना निकले बेलने के बाद भी। और अब इस तरह से और ये बस, अब सूखा आटा लगाएं और इसे दबा दें। अब इसे हमने बेलना है, वैसे बेलने से पहले आप इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें ताकि ये आराम से बेल जाए, क्योंकि इसे हमने काफ़ी फोल्ड किया है और फोल्ड करने से इसमें जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट दे दें 5-7 मिनट और फिर आप बेलेंगे तो ये आसानी से बेल जाएगा। और अब इसे बेल लेते हैं, थोड़ा सा आराम से बेलना पड़ेगा। ये देखिए छुंदे वाला पराठा, तेल भी लगाया है, छुंदा भी लगाया है और अब इसको बेल रहे हैं हम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बस ये जो पराठा है ये देखिए छुंदा सब तरफ, फैल चुका है और जिस तरह से हमने स्टफ किया था इसे उसकी वजह से छुंदा पूरे पराठे में आ चुका है। और अब आप इसको सेक लें, तवे पर इसे हम सेकेंगे दोनों तरफ से। अब इसे मैं पलट लेता हूं और अब इसके ऊपर हम तेल लगा लेते हैं, तेल लगाकर इसे सेक लें और इसे पलट लेते हैं, दूसरी तरफ भी तेल लगा लें। ये लीजिए ये दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं हम, बस एकदम करारा पराठा तैयार। ये बंद कर दी गैस हमने और अब ये जो पराठा है तैयार है, आप इसको इसी तरह से खाएं गर्मा गर्म, ठंडा बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और ये जो पराठा है आप इसके साथ में दही मक्खन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हाँ अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो सिर्फ हो सकती है छुंदा, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ इसके साथ में फ्रेश मैंगो के पीसेज अगर हों, एक बार पराठा खाया एक बार
फ्रेश मैंगो खाया, कैसा लगेगा मुझे मालूम नहीं है, आप खा के देखिए। खैर उससे पहले आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। मैं आम खा के देखता हूँ। नहीं नहीं और भी तैयारी कर दी है, गेस्ट आ रही हैं और उनके साथ में एक कढ़ी बनानी है मैंने, आम रस की कढ़ी है। आप कहीं ना जाएं, देखते रहें कैन स्टार खाना खजाना। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप आटा, नमक स्वादानुसार, 1 कप आम का पल्प, 2 बड़े चम्मच तेल और पराठा सेकने के लिए तेल और 1/2 कप छुंदा। इसे बनाने के लिए आटे में नमक, आम का पल्प और तेल डालकर इसका आटा गूंद लें। अब इसे 8 भागों में बांटकर इसकी गोलियां बना लें और इसके ऊपर आटा लगाकर इसे बेल लें। अब इसके ऊपर तेल और सूखा आटा छिड़क कर ऊपर से थोड़ा आम का छुंदा डालकर इसे मोड़कर इसे बंद कर लें, यानी छुंदे की स्टफिंग डाल ली है हमने। अब इसे कुछ देर तक रख दें। अब इस पे थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे बेल लें और गर्म तवे पर पराठे को दोनों तरफ से तेल लगाकर सेकें और गर्मा गर्म सर्व करें। ऐसा कहा जाता है और खाने वाले इस बात को मानते भी हैं कि फलों में सबसे श्रेष्ठ है आम, तभी तो इसको फलों का राजा या अमृत फल भी कहा जाता है। वाकई ये फल स्वादिष्ट तो है ही, इतना टेस्टी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें विटामिन ए, बी और सी तीनों होते हैं। जहाँ कच्चा आम खाने से गर्मी में राहत मिलती है, वहीं पक्का आम खूबसूरती भी बढ़ाता है। आम को आप खा भी सकते हैं और पी भी, अब वो चाहे मैंगो लस्सी के रूप में हो या मैंगो शेक के रूप में। भारत में लगभग 800 किस्म के आम पैदा होते हैं। आपको कौन सा आम पसंद आता है ये तो आप ही बता सकते हैं। मुझे जो आम मिल जाए वही सर्वश्रेष्ठ है। वेलकम बैक कैन स्टार खाना खजाना में। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के मैंगो स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ हैं कामिया। बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने का। थैंक यू। खाना बनाने का कुछ शौक है? खाने का बहुत शौक है। खाने का बहुत शौक है? नहीं नहीं, खाने का बहुत शौक तो मुझे है, देखकर भी पता चलता है। आपको देखकर तो लगता नहीं है कि खाना खाती हैं, लगता नहीं है लेकिन खाती हैं। तो अच्छा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा है। सबके साथ काश ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल चाहते तो हैं खाना बहुत सारा लेकिन खा नहीं पाते, कहते हैं बस हम तो हवा भी खाते हैं तो पता नहीं सबके सब यहाँ लग जाती है। खैर आज जो मैंगो स्पेशल एपिसोड है उसमें एक अलग सी डिश बनाते हैं। चलिए कुछ नया बनाते हैं। और ये जो ड्रिंक थी, लस्सी बनाई, उसके बाद पराठा बनाया, अब एक कढ़ी बनाते हैं। मैंगो कढ़ी? हाँ, मैंगो की, आम रस की कढ़ी। पंजाबी कढ़ी होती है, गुजराती कढ़ी होती है, सिंधी कढ़ी होती है, और अब मैंगो कढ़ी। मैंगो की कढ़ी है, आम रस की कढ़ी है, तो इसके लिए शुरुआत करते हैं ये मैंगो पल्प से। तो ये ले लेते हैं। अब ये जो आम रस इसके अंदर डाला है, मैंगो पल्प डाला है, इसके साथ ये भी आम है। ये कौन सा आम? कच्चा है? कच्चा आम उबाला और छील कर उसका पल्प निकाल लिया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें अलग फ्लेवर देना है तो आम को भून भी सकते हैं, जैसे बैंगन को भूनते हैं उसी तरह से इसको भी रोस्ट किया जा सकता है और छील कर फिर इसका पल्प निकाल लें। अच्छा, ये हो गया। अब कढ़ी में एक खास चीज जो होती है वो होती है गाढ़ा करने के लिए, तो ये बेसन ले लेते हैं। हम ले लिया बेसन और अब सब चीज़ों को मिक्स कर दें। ये आपकी बारी। चलो कुछ तो बनाना सीख लिया। नहीं नहीं, बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार शुरू हो गए तो देखें फिर खाना बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके साथ इसमें नमक और अब इसमें डालते हैं छाछ, दही की छास। रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है ये आम की वजह से। अब इसे पकाना शुरू करते हैं। चलिए पकाएंगे भी आप ही, मैं नहीं पकाऊंगा। ये तेल गरम हो गया। अब इसमें थोड़ी सी हींग, चुटकी भर हींग। इतनी? नहीं, इससे भी कम। इतनी बस। और इसके साथ इसमें राई, मेथी, हाँ इतनी? चले। और इसके साथ मेथी दाना, राई के साथ मेथी दाना बस। अब इसके बाद इसमें डालें करी पत्ता और उसके साथ ये हरी मिर्च। आ हा हा हा
देखिए मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा, नॉर्मली लोग डर जाते हैं इस तरह से करी पत्ते और हरी मिर्च से, तो आप बिल्कुल एकदम बढ़िया कर रही हैं। आपकी बाजू में खड़ी हो ना इसलिए। नहीं 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 ये लीजिए। अच्छा ये जो कड़ी है इसको पकाना काफी पड़ता है, ऐसा नहीं कि गाढ़ी हुई और निकाल लिया, क्योंकि जो बेसन है उसे अगर आप अच्छी तरह से पकाएंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, उसमें कच्चा बन रहेगा, तो बेसन जो है अच्छी तरह से पकना चाहिए। और करीब इसे 10-15 मिनट अच्छी तरह से जब ये पक जाए तब ये कड़ी रेडी होगी। और अब इसमें एक काम करते हैं, ये डालते हैं थोड़ी बूंदी। नॉर्मली क्या होता है कि कड़ी लोग बनाते हैं, जैसे पंजाबी कड़ी है तो उसके अंदर पकौड़े डालते हैं, और सिंधी कड़ी के अंदर काफ़ी सब्जियां वगैरह डालते हैं, तो इसके अंदर कुछ अलग चीज़ डालते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ जो ज़्यादा मेहनत ना लगे, बूंदी बाज़ार में मिल जाती है। तो ये बूंदी इसके अंदर डालेंगे, ये बूंदी, बूंदी का रायता तो पड़ता ही है, बूंदी की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अब बूंदी इस आम रस की कड़ी में, बस अब आंच धीमी करके 5 मिनट तक इसको सिमर होने दें। आम रस की कड़ी तैयार। ये तो हो गई कड़ी जो अब आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि खुद बनाई है आपने और मुझे लग रहा है कि ये अच्छी बनी है और सब लोग इसको खा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का, इस तरह से ये कड़ी हमें दिखाने के लिए। माय प्लेजर। खैर आप कहीं ना जाएं, आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट और उसके बाद इसका एक रीकैप। हम जल्दी वापस मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप कच्चे आम का पल्प, 1 कप पके आम का पल्प, 3 बड़े चम्मच बेसन, नमक स्वाद अनुसार, 1 कप छास, चुटकी भर हींग, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/2 छोटा चम्मच राई, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 8 करी पत्ते, 2 हरी मिर्चें लंबी कटी हुई और 1/2 कप बूंदी। इसके लिए सबसे पहले एक बोल में पके हुए आम का पल्प, कच्चे आम का पल्प, बेसन, नमक और छास डालकर इसे मिक्स कर लें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें हींग, राई, मेथी दाना, करी पत्ता और हरी मिर्च डालकर कुछ देर तक भूनें। अब इसमें आम के पल्प का मिक्सचर और यदि आवश्यकता हो तो पानी डालकर इसे करीब 10-15 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें बूंदी डालकर इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक और पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। आज का हमारा ये जो खास आम एपिसोड था वो आपको कैसा लगा? क्योंकि नई डिशेस चूज करने में, सोचने में, बनाने में थोड़ी सी तो मेहनत लगती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी रेसिपीज चुनने में जो नई हों लेकिन फिर भी आसान हों और सबको पसंद आए। ऐसा ना हो कि ये लोग रेसिपीज देखते ही रहें और बनाए ना। मेरी कोशिश ऐसी रहती है कि ऐसी रेसिपी सेलेक्ट की जाए जो लोग घर पे बना सकें, जैसे आपने कड़ी बनाई है। तो इसी तरह की और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़, बढ़िया बढ़िया थीम्स आपके पास हमेशा लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।